आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, हमें क्वेश्चन दिया है, एक बस 33 किलोमीटर प्रति घंटा की प्रारंभिक गति से चलना आरंभ करती है तथा उसकी गति में प्रत्येक घंटे में एक निश्चित वृद्धि होती है। यदि वह 315 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय कर लेती है तो बस की गति प्रति घंटा वृद्धि किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? हमें यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए है हमारा 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। ठीक है, अब देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें दिया है बस की स्पीड यानी कि चाल दी हुई है 33 किलोमीटर प्रति घंटा और वो बोल रहा है कि प्रत्येक घंटा एक निश्चित वृद्धि होती है। हम मानते हैं कि माना प्रत्येक घंटा x की वृद्धि होती है, तब अब देखो यदि हम ये माने कि प्रत्येक घंटा x की वृद्धि होती है तो वो 7 घंटे की टे लेता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 33 पहले घंटे में उसकी जो चाल थी वो 33 थी, फिर दूसरे घंटे में x की वृद्धि हुई, फिर तीसरे घंटे में फिर x की वृद्धि हुई, फिर चौथे घंटे में फिर x की वृद्धि हुई, फिर पांचवें घंटे में फिर x की वृद्धि हुई, फिर छठे घंटे में फिर x की वृद्धि हुई। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, 33 प्लस कितने x हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर एक और आएगा 6, क्योंकि 7 घंटे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 6x। ठीक है, जो हमारे जो नई चाल आ गई ये हो गई। ठीक है, जो वृद्धि होकर जो नई चाल आई है वो ये है। अब देखो हमसे यहाँ पर दिया हुआ है कि कुल दूरी बराबर कितनी है, 315 किलोमीटर। ठीक है, और घंटे कितने हैं, समय कितना लगता है, 7 घंटे। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, चाल निकाल लेंगे। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो बराबर कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे, 315/7। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 45। अब देखो एक तो हमारी इक्वेशन ये हो गई और एक हमारी यहाँ से चाल निकल गई, तो दोनों चाल है तो दोनों को हम इक्वल रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा जाएगा 33 प्लस 6x बराबर कितना जाएगा, 45। ठीक है, अब देखो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो 33 इधर जाएगा तो 6x बराबर कितना जाएगा हमारा, 45 माइनस 33 तो ये आ जाएगा 12। तो x बराबर कितना जाएगा, नीचे 6 चला जाएगा तो बराबर 2। तो हमने x क्या माना था कि प्रत्येक घंटा जो वृद्धि हो रही है वो, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो कितने मतलब कि प्रत्येक घंटा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो रही है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।